दोस्तों, बॉलीवुड में आज आपको एक से बढ़कर एक अभिनेता देखने को मिल जाएंगे, लेकिन 90 के दशक में जिन अभिनेताओं का बॉलीवुड पर राज चलता था वो भी कुछ कम नहीं थे। वो भी अपने दौर में सुपरहिट थे, लेकिन आज गुमनामी चेहरों की लिस्ट में शामिल है। और ऐसे ही एक नाम है चंद्रचूड का। तो अपने समय में हिट अभिनेताओं में गिने जाते थे चंद्रचूड, लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि इन्होंने अपने सफल बॉलीवुड करियर से दूरी बना ली। आज के समय में क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, ये सब बातें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इनकी शानदार अभिनय पर वीडियो पर लाइक तो बनता है। चंद्रचूड़ का परिवार यूपी के अलीगढ़ से था, लेकिन इनका जन्म 11 अक्टूबर 1968 को नई दिल्ली में हुआ। इनके पिता यूपी के खैर के पूर्व सांसद थे, जबकि माँ ओडिशा के बोलंगीर के महाराजा की बेटी थी। चंद्रचूड़ ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तेरे मेरे सपने से 1996 में की। ये फिल्म सुपरहिट थी और चंद्रचूड़ अचानक लाइमलाइट में आ गए, लेकिन अभिनेता के रूप में इन्हें पहचान गुलजार की माचिस फिल्म से मिली। इसके बाद दिल क्या करे, दाग द फायर, जोश क्या कहना, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया और सरद पार में इन्होंने काम किया। इनमें से कुछ फिल्में चली और कुछ फ्लॉप साबित हो गई। फिल्म दाग द फायर में ये महिमा चौधरी के साथ नजर आए, जो कि सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। लेकिन जब ये अपने करियर के सफलता के पड़ाव पर थे तो इनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। वो तब गोवा में बोट राइडिंग कर रहे थे, तभी हादसा हो गया। इस हादसे में वो बुरी तरह जख्मी हो गए। इसके बाद चंद्रचूड़ का करियर ठप पड़ गया और इससे उबरने में उन्हें करीब 10 साल लग गए। तब तक उनके घर की आर्थिक स्थिति भी काफी खराब हो गई। उन्होंने 4 दिन की चांदनी फिल्म से दोबारा बॉलीवुड में वापसी की, लेकिन ये फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिला। आज भी वो इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, लेकिन अब तो इस इंडस्ट्री में नए कलाकारों का राज चलता है। अपने दौर में स्वीट, हैंडसम और चार्मिंग दिखने वाले चंद्रचूड़ बढ़ती उम्र के साथ काफी बदल चुके हैं, वो आप इनकी आज की तस्वीरों से साफ देख सकते हैं। दोस्तों, आपको किस फिल्म में चंद्रचूड़ की एक्टिंग सबसे ज्यादा पसंद आई, उस फिल्म का नाम हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड के गुमनामी चेहरों की खबर सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें।